गाइज ये वाले सोफे अच्छे लग रहे हैं तो ये मैंने ब्लू कलर में ले लिए। और मामा अपने लिए सूट सिलेक्ट कर रही हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम सभी ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है मामा एक दिन के लिए आई थी लेकिन मामा ने स्टे किया है जी। तो रेडी हो गए आप? नींद आ रही थी, केल्विन बहुत गई नींद में सो गए थे तो मैंने इनको उठाया नहीं था। मैंने कहा चलें थोड़ी सी नींद पूरी कर लें। 7 बज गए, मार्केट 9 बजे तक बंद हो जाती है ना जी? 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है। हाँ चलें मामा, माँ ट्री की तारीफ तो करो। सजाओ इसको, पहले डेकोरेट करो। हाँ मैं डेकोरेट करूँगी लेकिन वो उसका ना उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी, पूरा घर डेकोरेट करूँगी ना। ये तो 1 December था तो मैंने सोचा चलो ट्री तो लगाएं 1 December को। आपको पता है मैं हैदराबाद में 1st को ही लगा लेती हूँ। गाइज़ ये शादी के बाद हमारा 1st क्रिसमस है इसलिए मामा हमें सोफे गिफ्ट कर रही हैं और उसी की शॉपिंग के लिए आज हम जा रहे हैं। सो गाइज़ हम लोग आ गए हैं फर्नीचर मार्केट। काफ़ी अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है लाइट नहीं है। सो गाइज़ हम लोग आ गए हैं फर्नीचर मार्केट और ये हमारी 1st शॉप है। ये जो हमारे पास सोफ़े हैं ये उसी की मैचिंग है। हाँ जो सोफ़े हैं ये उसी की मैचिंग है। हाँ प्लीज़ गाइस, जो हमारे पास सोफ़े हैं ये उसी की मैचिंग के ब्राउन सोफ़े हैं। इसके जो कुशन हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। मुझे जो है छोटे सोफ़े चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि हमारा सिटिंग रूम बहुत बड़ा नहीं है तो बड़े सोफ़े बहुत बुरे लगेंगे, तो इसलिए मुझे मीडियम साइज़ चाहिए सोफ़ा लाइक दिस। गाइस समझ ही नहीं आ रही, इतना घूम रहे हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े सोफ़े हैं, जैसे मुझे चाहिए वैसे मिल नहीं रहे। इसमें कौन कौन से कलर्स हैं? 4 कलर है, ब्राउन कलर, एक गोरा। अच्छा एक गोरा, एक ही ग्रे है और एक ही ब्लू है जी, और ये बिस्किटी कलर। अच्छा गोल्डन। गाइज ये वाले सोफे अच्छे लग रहे हैं तो ये मैंने ब्लू कलर में ले लिए। क्या नाम है आपकी शॉप का? शारिक मार्केट। और कहाँ पर है ये? दीवा मार्केट। अच्छा, इनके पास काफी वैरायटी है, देखें अंदर भी, अंदर भी है ना? दिखा दे। अभी मामा बैठी है। मामा थक गई है और केल्विन भी थक गए, लेकिन एज यू ऑल नो मैं नहीं थकती कभी भी। बहुत इनके पास अच्छी वैरायटी है तो घूम घूम के फाइनली हमें यहाँ से सोफा मिल ही गया। ये ग्रे अच्छे लग रहे हैं, कितना डिसेंट लग रहा है। तो ये आपके जो है यहीं पे बनता है सारा फर्नीचर? अच्छा अच्छा, तो ये ऊपर जो है सारा कारखाना है। चैनल है आपका? मिराज कुरैशी के नाम। मिराज कुरैशी, ओके। नंबर भी आसान है, 0315300920। ठीक है। जी गाइस, तो हम लोग आ गए हैं घर पे सोफे लेके और बहुत ज्यादा थक गए, बहुत ख्वारी हुई है, बहुत घूम घूम के फाइनली एक सोफा मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। अच्छा ये वाला जो सोफा हमारे पास ऑलरेडी है इसकी मैचिंग के बहुत सारे वहाँ पे सोफे थे लेकिन हमारा सिटिंग रूम इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, तो 2 सोफा सेट यहाँ पे नहीं आ सकता। तो हमने डिसाइड किया कि ये वाला जो है हम निकाल देंगे और दूसरा वाला हम लोग ब्लू कलर का लेकर आए हैं। अभी इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक हटाया नहीं है, ब्लू कलर के सोफे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखें मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सोफ़ा, तो फिर मैंने ब्लू सोफ़ा ले लिया था, मैंने कहा चले ब्राउन वाला जो है वो हम निकाल देंगे और फिर न्यू सोफे जो हम ब्लू कलर में ले आए। सो मैं आपको बैक कैमरा से अभी दिखाती हूँ, ये देखें ये हम ब्लू कलर के सोफ़े लेके आए। अभी बहुत ज़्यादा थक गए तो अभी इसके कवर वगैरह ये प्लास्टिक उतारा नहीं है, अभी उतारेंगे सुबह में ना, क्योंकि सारी सेटिंग जो है वो आउट हो गई है और ये हम लोग सेल कर देंगे और बेचारा क्रिसमस ट्री उसको और कॉर्नर पे कर दिया क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये भी 5 seaters है, ये भी 5 seaters है, तो इसके जो सिंगल सोफ़ा है वो बाहर निकाला है क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो लेट्स सी, अब दोबारा से सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। बहुत शदीद भूख लग रही है गाइस, तो खाना खा के फिर मिलते हैं।
इट्स नेक्स्ट डे और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बस सो गए थे और सोफ़ों की अभी तक सेटिंग वेटिंग कुछ भी नहीं हुई है, बस ऐसे ही रखे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा दोनों सोफ़े कैसे रखें। खैर देखते हैं, जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे मामा के साथ, मैं जा रही हूँ मॉल। मैंने सोचा मामा को एक गिफ्ट लेके दूँ, सूट लेके दूँ, क्रिसमस भी आ रहा है, तो बस मैं मामा को लेके जा रही हूँ मॉल। और मामा आज नहीं जा रही हैं हैदराबाद, मामा कल जाएंगी, मैंने मामा को रोक लिया है। और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, केल्विन जो है वो अपने काम पे हैं तो वो नहीं है हमारे साथ, मैं और मामा जा रहे हैं, तो बस अभी चलते हैं। शॉर्ट शर्ट्स है ना। अभी हम लोग आए हैं जे डॉट पे, वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साया पे समझ आया, मामा को 2-4 सूट है ना, समझ तो आया लेकिन देखो अब आगे चलते हैं। हाँ सो हम लोग हैं अभी ईगो पे और मामा अपने लिए सूट सिलेक्ट कर रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। साया पे हमने 2 पसंद किए हैं, अगर हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर हम साया से ले लेंगे। जे डॉट पे भी इतना कुछ खास समझ नहीं आया, लेट्स सी। आधे पौने घंटे से तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं। सो गाइज, इतनी ख्वारी के बाद सिर्फ एक सूट मामा को पसंद आया तो हमने सिर्फ एक ही सूट लिया है साया से, और एक सूट और है जो मामा को लेके देना है। तो मैं और केल्विन जब कल स्कूल से आएंगे तो आते हुए ले लेंगे फिर, क्योंकि अभी जो है सब कुछ बंद हो गया है। के घर ये लीजिए आपका गिफ्ट। कैसा लगा फिर? अपनी अपनी मर्जी से लिया है। हाँ दिखाओ कौन सा लिया है। वेरी नाइस। अभी एक और लेना है, वो फिर मैं कल ले लूँगी, ठीक है। अभी तो बंद हो गया था मॉल क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, लेट गए थे घर से ही, हम 8:30 बजे गए थे ना घर से, 8 बजे गए थे तो 10 बजे मॉल बंद हो गया था घूम के। बाकी एक और कल ले लेंगे, ठीक है। और अभी मामा को नींद भी आ रही है, चलो फिर अभी सोते हैं, सुबह मिलते हैं। सो गाइज, इट्स नेक्स्ट डे और बस इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैं इस वक्त ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और बस अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, मैं और केल्विन, क्योंकि कल मामा को एक ही सूट मिला और मामा ने एक और लेना था लेकिन वो मिला ही नहीं क्योंकि बंद हो गया था सारा मॉल, लेट हो गए थे हम लोग, लेट गए थे तो इसलिए मॉल बंद हो गया था। तो आज मामा जा रही हैं हैदराबाद, तो मैंने सोचा कि हम लोग अभी स्कूल से घर आए हैं तो मैंने सोचा जल्दी से केल्विन फ्रेश हो जाए, मैं फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद दोबारा जा रहे हैं मामा के लिए सूट लेने, फिर मामा को सूट देंगे और फिर मामा आज निकलेंगी हैदराबाद के लिए। आज हम लोग बहुत थक गए हैं, लेट हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हाँ स्कूल से भी लेट आए हैं, बस अभी पहुँचे हैं, 4:15 बजे पहुँचे और अभी 4 बज रहे हैं। चले फिर, चलो। तो ये लेकर आ गए हैं मैं और केल्विन, जो कल सूट नहीं मिल रहा था। माँ देखो कौन सा सूट है। मामा रेडी हो गई हैं जल्दी से हैदराबाद जाने के लिए। देखो कौन सा है, ये मिल गया बड़ी मुश्किल से। उन्होंने पूछा बारकोट, तो फिर बारकोट फिर उधर ही गई थी मैं सेम आउटलेट पे ना, तो फिर ये मिल गया। फिर मैंने पर्पल वाला लिया ही नहीं, मैंने यही ले लिया। सही नहीं है या पर्पल चाहिए था? नहीं, सही, है। सही है ना ये। चलो रख लो। तो आप जा रही हो हैदराबाद? रुक जाओ नहीं। मिस्टर केल्विन, मामा रुक नहीं रही हैं। जोर से मामा को घर याद आ रहा है, अपना घर याद आ रहा है। चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय।
और हाँ भाई सोफे के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो क्रिसमस गिफ्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मैं बहुत खुश हो गई। मेरे लिए वो सरप्राइज था कि मामा क्यों स्टे करिए, मुझे पता नहीं था, तो क्योंकि वो मेरा और कैल्विन का फर्स्ट क्रिसमस है तो इसलिए मामा ने हमें जो है सोफा गिफ्ट किया है, तो थैंक यू सो मच मामा। और अब मामा हमसे मिलेंगी क्रिसमस पे, कब मिलेंगी मामा? क्रिसमस पे मिलेंगी। चलो ओके बाय बाय। चलो मिनाहिल बाय बाय करो। जारिब को मिनाहिल, जारिब को हाय कहना है मिनाहिल का, है ना? चलो ओके माँ, पहुँच के ना मैसेज करना। वो चार्जर रख लिया आपने मोबाइल का? माँ मोबाइल का चार्जर रखा। सो गाइज केल्विन आ गए हैं मामा को छोड़ के, और मैंने अपनी ट्यूशन पढ़ाई, मैं ट्यूशन में बिज़ी हो गई थी और केल्विन भी अपने ऑफिस चले गए थे मामा को छोड़ने के बाद, तो बस अभी आए हैं और अभी हम लोग अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी सर्दी लग रही है, ठंड हो रही है, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना कॉफ़ी बनाएं और पिएं। तो बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। पता नहीं 2 दिन का ये व्लॉग बना है और जो जो भी हो रहा था मैं बनाती जा रही थी, पता नहीं क्या बना है व्लॉग में, जो भी बना है आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। सो अगर आपने इन्जॉय किया है देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में हम बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।